धंधा कर रहे हो, कुत्तों से पैसा कमा रहे हो, कोई आप रॉट व्हीलर के लिए काम नहीं करते। लोग कभी यहाँ पर कंधे पे रख के फोटो खींचते हैं। आजकल इम्पोर्ट है तो वो बहुत कुछ है, इम्पोर्ट 99% कूड़ा है, सबके सामने ये बोल रहा हूँ। रुको रुको दोस्तों, तबाही वीडियो, धमाकेदार वीडियो। ये पहले देखो, ये फार्म है, ये अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा है काफी। और ये गेट से हम एंटर करते हैं, 2 एकड़ का फार्म और दिल्ली शहर, मतलब दिल्ली शहर में 2 एकड़ का फार्म देखना बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास है विवेक भाई और यहाँ पर इंडिया के एक फेमस ट्रेनर साहब बंटी भाई। बंटी भाई क्या हाल है आपका? बढ़िया, बताइए। और पहली बार आप आ रहे हो। पहले मैं बंटी भाई का ना फार्म दिखाता हूँ, मुझे बड़ा मजेदार लगा, आप भी बताना कैसा लगा। ये भाई यहाँ पर काम संभालते हैं सारा। ये भैया को ऑफिस है, ऑफिस आ गया भैया। ये किचन है, ये किचन आ गया भैया का। और ये आगे कूलर वगैरह लगे हैं। ये चलिए अंदर, मैं आपको इस वीडियो का एक मोटिव बता देता हूँ। यहाँ पर 26 से 27 डॉग हैं, अंदर से भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसा सेटअप बना। सॉरी रात के अंधेरे का टाइम है, लेकिन इस वीडियो में मजा बड़ा आने वाला है। पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ पर इनका स्विमिंग पूल भी है, स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ। रात के अंधेरे का माफी करना, अंधेरा है तब भी मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ दिखानी है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये इनका आ गया स्विमिंग पूल, ये इन्होंने स्विमिंग पूल यहाँ पर बना रखा है। बड़ा अच्छा, मतलब 2 एकड़ में इतना प्यारा सेटअप बनाया हुआ है दिल्ली जैसे शहर में। चलिए जी, लाइट भी आ गई है। और ये देख लीजिए, अभी स्विमिंग पूल चलाया नहीं हुआ। बंटी भैया एक बार बताओ, ये कहाँ पर है फार्म? ये अपने आनंदपुर गाँव में। आनंदपुर, आनंदपुर गाँव। तो भैया ये कितना पुराना हो गया? ये इसे होगा 3 साल हो गए फार्म खुले मुझे। तो टोटल कितने डॉग हैं यहाँ पर? यहाँ पर 24 कुत्ते। 24 कुत्ते, मतलब जो ट्रेन होने आते हैं वही है या और भी हैं? अपने भी हैं, 2-3 होंगे मेरे डॉग्स, बाकी सर ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग डॉग्स हैं। और बंटी भैया को जो लोग नहीं जानते, मैं एक चीज बता देता हूँ, वर्किंग डॉग्स कहते हैं ना, नाम के नहीं, काम करवा के वर्किंग डॉग जो होते हैं, जो वर्किंग करते हैं डॉग्स, उनकी ट्रेनिंग ये करवाते हैं। और इंडिया में एक फेमस ट्रेनर है, सबसे पुराने, मतलब 22 साल हो गया इनको काम करते हुए। और ये इनका आ गया प्लेइंग एरिया। और ये देखिए क्या खूबसूरत फार्म है, स्मेल का नाम नहीं है। पूरा दिन, मतलब यहाँ पर 2 एकड़ फार्म में 24 डॉग एक्स्ट्रा रहते हैं, मतलब 24 डॉग को ट्रेनिंग यहाँ पर रात को कराई जाती है, दिन को ये सारे बंद रहते हैं। मतलब कोई अपने घर में सोया हुआ है, कोई डॉग को रेस्ट दी हुई है। भैया रात को ही चलता है आपका काम? इसलिए भी गर्मी बहुत है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम शाम को 7 बजे शुरू करते हैं। तो कैसा ये रन एरिया है, ये जो डॉग्स आते हैं ना, ये सब ट्रेनिंग के डॉग्स आते हैं, तो ये जो बैच अभी निकलेगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये ट्रेन होकर जाएंगे, फिर दूसरा बैच आएगा, फिर उनको ट्रेन करूँगा, फिर सेकंड बैच आएगा, फिर थर्ड बैच, फिर फोर्थ बैच, ऐसे बैच से बैच आते हैं, उनको ट्रेनिंग करता हूँ। जो डॉग ट्रेनिंग करता है वो खाना खाता रहेगा वहाँ के, ठीक है, वो रेस्ट कर लेगा। हाँ, पहले हम डॉग्स यहाँ डालते हैं पॉटी एरिया में। ये पॉटी एरिया, अच्छा ये पॉटी एरिया, पॉटी एरिया पूरा, ठीक है। पॉटी एरिया मतलब कच्चा रखा होता है उस? हाँ, हम डॉग्स को बेसिकली सिखाते हैं कि वो जहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ से पॉटी ना करें, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हम उनको बहुत डिसिप्लिन सिखाते हैं कि भाई वो पॉटी एरिया, पहले पॉटी करनी है, सुसु पॉटी करना है, उसके बाद वहाँ पे वो ड्रायर लगा ना, ग्रूमिंग करते हैं वहाँ पे हम। अच्छा, वो ग्रूमिंग वाला आ गया एरिया। ये देखिए प्रॉपर जो फार्म होता है ना, एक ग्रूमिंग एरिया होता है, पोटी वाला एरिया होता है, प्लेइंग एरिया होता है, या रहने के लिए होता है, ये एक बनाना पड़ता है, ये सोच बनानी पड़ती है। अच्छा, ये ग्रूमिंग का आ गया, ग्रूमिंग के स्प्रेज है, कुछ डॉग को कुछ इंजेक्शन, तो उसका स्प्रे लगे हैं, ग्रूमिंग के स्प्रे लगे हैं, ये मशीन आ गई ड्रायर साहब। और इनका नाम है वोल्फ मास्टर K9। और वैसे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इनकी बाद में, वो दिन को आके बनाऊंगा किसी दिन, लेकिन आज मेरा मकसद क्या है, इधर एक चीज आपको बताना कि वर्किंग होती क्या है, वो उसका मतलब हम समझते हैं। वर्किंग जब हम करते हैं बात कि ये डॉग वर्किंग है, ये डॉग वर्किंग है, वर्किंग डॉग का मतलब होता है ड्राइव डॉग, और जो स्ट्रांग हो, जिसकी नर्व स्ट्रांग हो, और जो वर्क लिए बीट करते हैं। ज्यादातर लोग क्या होता है कि ज्यादातर आजकल ना लोग कलर के लिए बीट करते हैं कि ब्लैक कलर है या व्हाइट कलर है, उससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है डॉग की वर्किंग से। तो वर्किंग के लिए हम क्या देते हैं, डॉग की नर्व्स, ड्राइव और उसका करेज, ताकि वो काम करते हुए घबराए नहीं। अच्छा, वर्किंग क्या होती है? वर्किंग होती है कि जैसे आपको डॉग चाहिए बाइट वर्क डॉग चाहिए, तो बाइट वर्क डॉग है वो डरने वाला नहीं होना चाहिए, घबराने वाला नहीं होना चाहिए। आपको डॉग चाहिए स्निफिंग के लिए, तो वो भी घबराने वाला नहीं होना चाहिए। अगर एक डॉग स्निफिंग कर रहा है और वो डर गया, तो स्निफिंग करना बंद कर देगा, तो वो बैड जेनेटिक है। तो हम हमेशा गुड जेनेटिक डॉग्स लेते हैं, उन्हीं को बेसिकली बीट करते हैं और उन्हीं को ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली मैं तो
वो कि डॉग की जो डॉग जो पपीज होते हैं तो बहुत सिलेक्शन के बाद ही उनको ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में कमिटमेंट है। दोस्तों इस वीडियो में ना मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये है बंसल कुटीर से जो क्यूनी के मालिक हैं, ओनर हैं या उसके फादर हैं। ये मैं वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, इसका एक लीटर है वो भी दिखाता हूँ यार। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग कह देते हैं कि मेरी फीमेल वर्किंग डॉग है, इसने ये किया है, इसने यहाँ पर विनिंग की है, लेकिन असलियत में करते हुए कोई नहीं दिखाता। मैं भी एक टेस्ट लेना चाहता था, ये भी बड़ी बातें करता था क्यूनी एशिया की वो है, एशिया की नंबर वन फीमेल है। चलिए आज चेक करते हैं कि ये बच्चे जिसकी पैदाइश है वो फीमेल कैसी है। भैया इसकी थोड़ी सी आप बताओ क्या वर्किंग करती है जी, ये कौन से टेस्ट इसने पास किए हुए हैं, क्या करती है। ये है क्यूनी, बंसल कुटीर की क्यूनी, और ये ट्रेनिंग जो अब भैया करवाने लगे हैं इसके साथ। और ये चीजें कहने को होती हैं, ये पूरी मेहनत होती है एक ब्रीडर की, ब्रीडर की कम होती है, ट्रेनर की ज्यादा होती है। ये 3 महीने की थी क्यूनी जब ये बंटी भैया के पास आई थी और इसने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए। इसने पीटीसी ओबीडियंस पास करा हुआ है, साथ में बेसिकली ये आपका एसटीईटी भी इसका मैंने टेस्ट करा हुआ है, वो भी इसका क्लियर है। उसके बाद मैंने इसको शो करा है केसीआई रिंग में, तो ये 2021 और 2022 में मोस्ट विनिंग फीमेल है। प्लस इसने सारे इम्पोर्ट डॉग्स भी और फीमेल्स भी और मेल्स भी सारे A to Z इसने हराए। तो ये बच्चों में जेनेटिक्स में आएगा कुछ इसने अगर किया? शॉर्टली आएगा, क्योंकि मैंने अपनी जेनेटिक्स को चूज भी इस तरीके से करा है। ब्रीडर का काम सिर्फ ये नहीं होता, रियरिंग बहुत ऊपर डिपेंड करती है। मैंने न्यूरोबायोलॉजिकल स्ट्रीम से बच्चे बड़े करे हैं और इनके साथ बहुत सारी मैंने ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से इनके जेनेटिक्स स्ट्रांग हो, ये बीमार ईजिली ना हो, जिससे कि हर तरीके से बड़े अपने आप को रेस कर सके, हर टेम्परेचर में रेस कर सके। आप देख रहे हो बच्चे खुले ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये भी बहुत सारी चीजें मेजर करती है, हर जना नहीं कराता ये चीजें भी। फादर कौन है इसका? फादर है उरान बॉम सराजबाग, और उसकी मेटिंग फीस भी 1,00,000 रुपीज है। बट मैंने इतना पैसा अगर दिया वहाँ पर तो मैंने कुछ सोच के दिया, मैंने इसका पहले पूरी ब्लड लाइन को रीड करा। और वो डॉग भी है, बोलने को तो सारे वर्किंग डॉग है जो फॉरेन से आ रहे हैं, बट फॉरेन के अंदर भी आपकी फेक डिग्री बनती है बेसिकली। बट जो उड़ान है मैंने उसको खुद वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए देखा है, उसकी मेरे पास प्रॉपरली वीडियो है कि वो क्या वर्किंग वगैरह करता है। उसके बाद मैंने उसकी पूरी ब्लड लाइन रीड करी है, तो मेरी क्वीनी और उसकी ब्लड लाइन में जो भी आपका इनब्रीड मतलब कि जो भी लाइन ब्रीडिंग होती है मैंने उसको भी प्रॉपर रीड करा है, उसके बाद मैंने ये ब्रीडिंग करी है। मैं आपको नाम भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरे को ईजिली ये सब नाम याद नहीं रहते हैं। तो भैया ये कितने दिनों में ट्रेनिंग वैसे शुरू हो जाती है रॉटवाइलर की? रॉट लेके नहीं, सभी डॉग्स की। अच्छा, सभी डॉग्स की। अगर आपको डॉग ट्रेन करना अच्छा वर्किंग के लिए तो 8 वीक टेस्ट एज होती है, मतलब 2 महीना, मतलब 2 महीने में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पर समझ आ जाता है वैसे? हम ना बहुत हार्ड ट्रेनिंग शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे क्लिको वर्क, प्री बाइट वर्क, इक्विपमेंट जनरलाइजेशन, नर्व ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, बहुत बारीक चीज़ें करते हैं, ताकि हमारा डॉग आगे जाके फ्यूचर में बेस्ट डॉग बन सके। दोस्तों ये मेहनत देख लो, ये 3 महीने की क्यूनी थी जब आप ट्रेन करवा रहे थे। Exactly. तो भैया इसके साथ एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके, मतलब एक चीज मुझे बताओ, अगर मदर ट्रेंड है, फादर ट्रेंड है, तो बच्चों के जेनेटिक्स में आएगा कुछ चेंजेस? देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि क्यूनी के मदर फादर नहीं अच्छे होंगे, डॉग तो ज्यादातर डॉग्स वर्किंग होते हैं, ज्यादा डॉग्स, लेकिन क्या होता है लोग उनको वर्किंग नहीं खाते तो उनकी वर्किबिलिटी खराब हो जाती है, और एक टाइम के बाद कुछ जेनेटिक ना एक बार में खत्म नहीं होता, जेनेटिक 4-5 पीढ़ी के बाद खत्म शुरू होता है। ठीक है, तो सब इसकी मदर फादर है क्यूनी के, क्यूनी को हमने अच्छे ट्रेन किया, ठीक है, क्यूनी को हमने सिलेक्शन में निकाला और अच्छे ट्रेन किया। अब इसकी ब्रीडिंग में से जो पपीज है उसमें उसको ट्रेन करेंगे और सिलेक्शन निकालेंगे, तो हम बेस्ट टू बेस्ट डॉग्स निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोसेस है बेस्ट डॉग निकालने का, इसलिए चैंपियनशिप्स होती हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन होते हैं, है ना। ऐसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, सोचिए कि अगर टेस्ट ही ना हो तो सब बेस्ट है, है ना। एक चीज, एक कड़वा सवाल है, केसीआई का चैंपियन और जो आप कह रहे हो पीडीसी PS5 का वर्किंग का चैंपियन, उस दोनों में डिफरेंस क्या है? सर दोनों चीजों में ना अलग चीज देखी जाती है। केसीआई के अंदर देखा है सिर्फ बॉडी, डॉग का कलर, पिगमेंटेशन और एनाटॉमी। वर्क में देखा जाता है करेज, डॉग का इंटेलिजेंस और डॉग की वर्किबिलिटी, कि डॉग कितनी घंटे काम कर सकता है, उसका 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 एनाटॉमी वर्किंग के लिए अच्छा है कि नहीं। हो सकता है जो डॉग केसीआई के लिए बहुत अच्छा हो वो डॉग वर्किंग में ना चले।
लोगों से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, खाली इम्पोर्ट डॉग लेने से कभी भी कुछ नहीं होता। इंडिया में आजकल क्या चल रहा है, लोग ब्रीडर नहीं है, लोग इम्पोर्टर हैं बेसिकली। वो क्या करते हैं, अपने कुत्ते इम्पोर्ट कराते हैं, उसको भी शो करते हैं। किसी और की ब्रीडिंग के कुत्ते शो करना, जिसने फॉरन में ट्रेनिंग लेके आया और उसने वहाँ पर भी शो खेले हो, तो उससे क्या फ़ायदा। आप एक चीज़ बताओ, आप सारे ये बोलते हो कि हमारे कुत्ते बेटर हैं, हमारे कुत्ते बेटर हैं। सारे बंदे ये बोलते हैं कि मैं इम्पोर्ट इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को ब्रीड स्टैंडर्ड को सुधारना है। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है भैया, मैं बहुत नया हूँ, मैं ये चीज़ कहता हूँ, बट मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है। उसमें सब बंदों को मैं देख के ये सोचता हूँ कि सारे बंदे बहुत नॉलेजेबल हैं, बट ब्रीड स्टैंडर्ड के लिए काम कौन कर रहा है। मैंने आज तक तो ये किसी को भी करते हुए नहीं देखा, क्योंकि रॉटवीलर एक वर्किंग ब्रीड है, अगर वो वर्किंग नहीं करेगा तो किस काम का रॉटवीलर है। और आप एक चीज़ बताइए मेरे को सबसे पहले, कि इम्पोर्ट डॉग वो लेके आते हैं, इम्पोर्ट डॉग आता है पहले वो मीटिंग करता है, उसके बाद वो बिक जाता है, बिकने के बाद वो कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अब मेरे को ये समझ नहीं आता, फिर वो दोबारा नया इम्पोर्ट डॉग ले आते हैं, उसका बच्चा रेडी करके दिखाइए ना, किसका बच्चा चैंपियन बन रहा है, किसका क्या हो रहा है। इम्पोर्ट डॉग से कौन क्या कर रहा है, इम्पोर्ट से कभी भी कुछ नहीं होता। अगर आप इम्पोर्ट का कोई बच्चा अपने घर पे रेडी करके दिखाओ, उसके बाद उसको शो करो, तब आप रियल ब्रीडर हो। रियल ब्रीडर वो होता है जिसके पास अपनी एक दो जनरेशन मिनिमम हो, वो उससे कुछ प्रूफ कराओ, तब उसको रियल ब्रीडर कहता है। इम्पोर्ट से आजकल तो नया चीज चली है यहाँ पर, वेल्प इम्पोर्ट होता क्या है, बाहर से लोग फीमेल मेट करा के लेके आते, जो कूड़ा फीमेल होती है, 3.75 लाख की यहाँ पर फीमेल आती है, और उसके बाद उसके बच्चे वो यहाँ पर 1-1 लाख रुपए का सेल करते हैं। फिर वो फीमेल जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, सही हो जाती है, उसको बेच देते हैं, उससे दोबारा लीटर लेके फिर वो यही काम कर रहे हैं। उससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप जेनेटिक्स को देखो तो मेन तो जेनेटिक्स होते हैं, और जेनेटिक्स सिर्फ एक मेटिंग कराने से जेनेटिक्स नहीं बनते, रियरिंग बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के अंदर। आप पप्पी को कैसे रियर कर रहे हो, बच्चा लोग मोटा करने को सारे बच्चे दिखा देते हैं, लोग कभी यहाँ पर कंधे पे रख के फ़ोटो खींचते हैं आजकल, कि ऐसे बच्चे का हेड बड़ा लगेगा, ऐसे हाथ में लेके खींचते हैं कि उसका हेड बड़ा लगे, उससे कुछ भी नहीं होता। अगर मैं भी बहुत ये सोचता था कि उसका पप्पी पता नहीं कितना लार्ज होगा, कितना बड़ा बनेगा, बहुत सुंदर लग रहा है वो, तो बट जब शो में जाते हैं तब सारे डॉग सेम लगते हैं, ऐसा क्यों होता है फिर, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। तो कृपया करके फ़ोटो में एडिटिंग करना बंद करिए और अपने डॉग ब्रीडिंग पे ध्यान दिए। सिर्फ इम्पोर्ट से इम्पोर्ट के नाम पे थप्पा मत लगाइए कि आप इम्पोर्टर हो सारे, आप कोई ब्रीडर नहीं हो। मैं आज आपके सबके मुंह पे बोल रहा हूँ, ब्रीड स्टैंडर्ड के लिए काम कौन कर रहा है। मैंने तो आज तक किसी भी बंदे को ब्रीड स्टैंडर्ड के लिए काम करते हुए नहीं देखा। ये तो वही हुआ ना कि आप पैसा कमाना है तो अपना बोल के बताओ, धंधा कर रहे हो, कुत्तों से पैसा कमा रहे हो, कोई आप रॉटवीलर के लिए काम नहीं कर रहे। रॉटवीलर एक ब्रीड है, उसको कोई भी इम्प्रूव नहीं कर रहा, उसका सत्यानाश कर दिया सबने, मजल छोटी छोटी ला ला के बुरा हाल कर दिया, किसी ने ब्रीड स्टैंडर्ड की तरफ नहीं देखा। अगर मैंने अपने कुत्तों की मीटिंग कराई है ना, तो अंदर की आपका मर्जिन फ्लैश राउस बाल को और आपका जॉट्रीटा न्यू ब्रांड मैम्बो, इसके अंदर सारी ये इनब्रीडिंग हो रही है, तब मैंने जाके ये मीटिंग कराई थी। वरना लाख रुपए का शौक मेरे को भी नहीं था देने का, मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर्स है अदर डॉग्स के कि मीटिंग कराऊं। अगर पप्पी मेरे स्ट्रांग है तो मैं किसी रीज़न से कह रहा हूं, मेरे पप्पी स्ट्रांग है और वो मैंने उसके ऊपर मेहनत करी है। आपको मैं आज एक डिफरेंस बताना चाहता हूं कि मेरे पप्पीज़ में और जो नॉर्मल कमर्शियल टाइप ब्रीडिंग वाले पप्पीज़ है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। इनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा लेट मैच्योर होते हैं बस, और उसके अंदर कुछ नहीं, बाकी उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट कोई भी नहीं है। इनकी जो हेल्थ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है, पप्पीज़ के स्ट्रॉन्ग होते हैं सारे ये वाले, इनके अंदर टीथ का कोई इशू नहीं आता है, इनकी जो लाइवेबिलिटी लाइफ स्पैम होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये कमर्शियल डॉग से बहुत बेटर है। अगर आपको रियल रॉटवीलर लेना है तो रियल रॉटवीलर मेरे पास है, मैं आपको कूड़ा कबाड़ा नहीं दे सकता। बेशक मेरे पप्पीज़ महंगे, पर मैं कूड़ा कबाड़ा नहीं दे सकता। मैं आप सबके मुँह पर कह रहा हूँ ये चीज़ कि मैं आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपके साथ ठगी नहीं कर सकता। दैट्स इट।